बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस क्वांटिफायर के साथ कौन सा कनेक्टिव यूज होता है और उसकी क्या वजह है। जी, तो क्वांटिफायर्स में हमारे पास जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसके साथ हम इम्प्लीकेशन का साइन यूज करते हैं और इसको हम लोग कैसे इंटरप्रिट करते हैं। फॉर ऑल ऑफ सम कैटेगरी इफ देन, ठीक है। अच्छा, और जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है उसके साथ हम कंजंक्शन यूज करते हैं और उसको इस तरह से पढ़ते हैं कि सम आर बोथ दिस एंड दिस, ठीक है ना। यानी किसी की खसूसियत है ये और ये, और इसमें क्या होता है, तमाम एक कैटेगरी के, अगर सब एक कैटेगरी की हैं तो वो उसमें ये खसूसियत जरूर होगी, फॉर ऑल देन। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमें पता है कि ये यूनिवर्सल के साथ इम्प्लीकेशन यूज होता है और हमें पता है एग्जिस्टेंशियल के साथ जो है वो एंड यूज होता है, लेकिन अगर इसका बरखिलाफ किया जाए तो फिर वो आपको किस तरह का सेंस देंगे वो जुमले। तो इसके लिए हम एक मिसाल लेते हैं, ट्रांसलेट दीज स्टेटमेंट्स इनटू इंग्लिश वेयर आर ऑफ एक्स इज एक्स इज अ रैबिट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेडिकेट है रैबिट, तो एक्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये रैबिट है, एंड और एक प्रॉपर्टी एक्स की यह है कि इट होप्स, एक्स होप्स यानी वो उछलता है, ठीक है। एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ठीक है। और हम हमारे पास जो सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है, एनिमल्स का सेट है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और उसमें से हमने जिस एनिमल का चुनाव किया है वो रैबिट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज करें मैं ऐसे लिखता हूँ ऑल एक्स, ठीक है, और आर आर ऑफ एक्स इम्प्लाई एच ऑफ एक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑल रैबिट हॉप्स, यानी एक एक तरह से ये कि इफ एन एनिमल इज अ रैबिट देन दैट एनिमल हॉप्स। आसान सा जुमला ये बन जाएगा कि एवरी रैबिट हॉप्स। अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ एंड लगा दूँ तो क्या सेंस बनेगा, दैट एवरी एनिमल इज अ रैबिट एंड एवरी एनिमल हॉप, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई नतीजा तो अखस नहीं होगा, किसी चीज की प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि एवरी एनिमल इज अ रैबिट एंड हॉप्स, बट दिस इज अ सिली स्टेटमेंट, डोंट यू थिंक। आपको महसूस नहीं होता कि कहने का बहुत ही अजीब सा अंदाज है, बल्कि बात ही गलत है कि एवरी एनिमल इज अ रैबिट एंड हॉप्स, कि तमाम एक्स जो हैं वो रैबिट हैं और वो हॉप करते हैं। अच्छा, तीसरे में क्या सेंस बनेगा अगर मैं एक्सिस्टेंशियल के साथ इम्प्लीकेशन यूज करूं, देयर एग्जिस्ट सच एन एनिमल दैट इफ इट इज अ रैबिट देन इट हॉप्स, देयर एग्जिस्ट सच एन एनिमल इफ इट इज अ रैबिट देन इट हॉप्स। तो ये कह रहा है कि नोट दैट दिस इज ट्रिवियली ट्रू सेटिस्फाइड, ये कुछ थोड़ा सा सेंस बनता है कि अगर कोई एनिमल यहाँ पर कोई एनिमल है, अगर वो रैबिट है तो उसका मतलब है कि वो हॉप करता होगा, उछलता होगा। तो ये तो कह रहा है कि ये ठीक है लाइंस के नजरिए के हिसाब से कि उसने पहचाना हुआ है कि ये खरगोश है तो ये उछलेगा जरूर जब मैं शिकार करने जाऊंगा, लेकिन सो इट इज नॉट द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वन वुड से, लेकिन ये बोलने के लिहाज से कोई इतना सेंसफुल जुमला नहीं है, ठीक है ना। तो हम हमें जहाँ इंसान को जहाँ बहुत वास्ट नॉलेज है वहाँ ये कहने का अंदाज जो है ना वो बहुत ही अजीब सा है कि देयर एग्जिस्ट सच एनिमल इफ इट इज अ रैबिट देन इट हॉप्स, अगर कोई एनिमल जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर के वो रैबिट है तो वो उछलता होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिहाज से, हमारे लिहाज से क्या होगा, ये वाला सम के साथ हम एंड यूज करें, देयर एग्जिस्ट एन एनिमल विच इज अ रैबिट एंड इट हॉप्स, ठीक है ना। यानी सम हॉपिंग एनिमल्स आर रैबिट्स, ठीक है, और रैबिट्स हॉप्स, सम रैबिट्स हॉप। जी आइए, अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह की जैसे लास्ट हमें एक एग्जाम्पल दी हुई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में ये दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास जो है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स जो है वो पर्सन है, तो सी ऑफ एक्स जो है ना उसका मतलब है कि एक्स इज अ कॉमेडियन, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स इज फनी। तो एक्स एक कॉमेडियन है और एक्स फनी है, ठीक है। तो इसको भी वही हमने यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ एक दफा इम्प्लीकेशन और एक दफा एंड, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ एक दफा इम्प्लीकेशन एक दफा एंड। तो कौन से ऐसे हैं जो मीनिंगफुल हैं और कौन से ऐसे हैं जो मीनिंगलेस हैं, तो इसको हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ट्रांसलेट दीज स्टेटमेंट्स इंटू इंग्लिश। तो अब हमें इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आ जाइए सबसे पहले ये हमारे पास आ गया 7 का A, ठीक है। तो 7 का A तो सबसे आसान यही हो जाएगा, ऑल कॉमेडियंस आर फनी,
ऑल कॉमेडियंस आर फनी, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरी वन हु इज अ कॉमेडियन इज फनी, एवरी वन हु इज अ कॉमेडियन इज फनी, ठीक है। अब सेवन के बी में, सेवन के बी में हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल के साथ एंड लगा हुआ है। अब ये बहुत अजीब से माइंड, सबसे सबसे अजीब यही है जी, लास्ट में भी हमने देखा था कि ये जो सी वाला है ये तो शायद फिर भी थोड़े बहुत मायने वाला है, हालांकि वो कहने का अंदाज वो भी बहुत अजीब सा है, लेकिन ये तो इसके तो मायने भी बहुत अजीब से हैं। इसके मायने हो जाएंगे कि एवरी वन इज अ कॉमेडियन एंड एवरी वन इज फनी जी, इसके मायने क्या हो जाएंगे, एवरी वन इज अ कॉमेडियन एंड एवरी वन इज फनी। तो सेवन के बी को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एवरी वन इज अ कॉमेडियन एंड एवरी वन इज फनी, क्योंकि एक्स की वो अलग अलग दो बातें बता रहा है कि वो और सब सब जो है कॉमेडियन है और सब फनी है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अजीब और गरीब सा मामला है कहने का। इसी तरह सेवन सी जो है, जिसमें हम एक्सिस्टेंशियल के साथ इम्प्लीकेशन यूज कर रहे हैं कि इफ देयर इज अ पर्सन हु इज फाउंड एज ए कॉमेडियन देन ही इज फनी, तो कहने का अंदाज बहुत अजीब सा कि इफ अ पर्सन इज फाउंड एज ए कॉमेडियन देन ही इज फनी, यानी सम के साथ हम कोई यूनिवर्सल रूल डिफाइन कर रहे हैं, तो आप सोचे ना कि वो कितना अजीब सा होगा। सम सम जो होता है वो किसी भी पॉपुलेशन में से थोड़े लोगों को लिया जाता है, तो थोड़े लोगों की तो प्रॉपर्टी अपनी होती है ना, ये तो नहीं होता कि वो थोड़े जो है वो कोई रूल बना देंगे, ठीक है। तो रूल जो अप्लाई होता है वो पूरी एक कैटेगरी पर अप्लाई होता है, तो यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत देखने से लगता है मीनिंगफुल, लेकिन कहने को कभी भी कोई इस तरह कहता नहीं है, तो कहने का ये अंदाज जो है ना ये बहुत अजीब सा है। इफ इफ अ पर्सन इज फाउंड एज ए कॉमेडियन देन ही इज फनी, ठीक है। अब असल में ये जो एग्जिस्टेंशियल होता है ना ये क्या होता है, ये फोर्थ में देखिए आप। अब यहाँ पे ये देखें, समवन किसी पर्सन की बात हो रही है जो कि कॉमेडियन है और वो साथ में वो फनी भी है, जैसे मैं मुईन अख्तर की बात कर रहा हूँ, उमर शरीफ की बात कर रहा हूँ, आमिर लियाकत की नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे समवन जो कॉमेडियन भी है और फनी भी है, तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा कि समवन समवन हु इज कॉमेडियन एंड फनी, तो मैं किसी की बात कर रहा हूँ जो कॉमेडियन भी है और फनी भी है, ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं सम कॉमेडियंस आर फनी, सम कॉमेडियंस उनकी सब कुछ कॉमेडियंस की प्रॉपर्टी है कि वो फनी है, कुछ है जो फनी नहीं भी होते, कुछ है जो फनी नहीं भी होते, हम उन कुछ की बात कर रहे हैं जो फनी है, तो यू भी कह सकते हैं आप सम कॉमेडियंस आर फनी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देयर इज अ कॉमेडियन हु इज ऑल्सो फनी, ठीक है, अ फनी कॉमेडियन, हाँ ये भी कह सकते हैं अ फनी कॉमेडियन कह सकते हैं। तो ये सारे इसके जो है ना वेरिएशंस हैं, तो जाहिर बात है सही आपके पास क्या है कि आप ऑल की जब बात करें ना तो फिर वो यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, और सम की बात करें तो किसी की खसूसियत, किसी आप पर्सन की या किसी आप उसमें से एक सबसेट की बात कर रहे हैं और उसकी कोई प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये एक इंसान भी हो सकता है और कुछ चंद हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आप इम्प्लाई लगाएं कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा, ये तो आप किसी चंद लोगों की बात कर रहे हैं या किसी एक फर्द वाहिद की बात कर रहे हैं, उसकी खसूसियत बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ना यहाँ से, और आपको आपने इंजॉय किया होगा ये जो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।